पापा तो जॉब पर हैं। तो जॉब पर है तो मामा ने मना ही क्यों करा? बस पता नहीं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ शादी से, वैसे इतना कोई थक गए ना हम लोग, बट ये कि अम्मी के भी जाना था, ज़रूरी था। आगे बताऊँगी कि क्यों जाना है। और यहाँ मैं आप सबकी पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे वन नाइट स्टे करना था वहाँ पर, और ये कोई दोपहर का टाइम हो रहा है ना। तो मैं हुज़ैफ़ा व हाज के एक एक ड्रेस रख रही हूँ, अपने एक ड्रेस रख रही हूँ, और मुझे आपको दिखाना है आज बेबी गर्ल के मैंने ड्रेस स्टिच किए हैं वो, और वो किसके हैं ये भी बताती हूँ आगे आगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हम और कौन कौन से कंटेंट बनाएं, रूटीन्स बनाएं, या डिफरेंट टाइप के जो आप चाहें, जो आप वॉच करना चाहें। और दूसरा ये कि आप हमें सपोर्ट करें, आप नीचे कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा। ठीक है, तो खैर अब वीडियो की तरफ आते हैं दोबारा। यहाँ मैं अपना ये वाला ड्रेस रख रही हूँ, पिंक वाला, और ये शायद मैंने आप लोग को दिखाया है नीचे, अगर आप मेरे चैनल में जाके वीडियोस में देखेंगे तो काफ़ी सारे ड्रेस की डिज़ाइनिंग मैंने आप लोग को दिखाई हुई है। पहले भी ईद पे मैंने ड्रेस दिया था ना, तो मेरा पहनना ही नहीं हुआ था, एक बार ही आई थिंक मैंने पहना है ना, तो मैंने कहा यार ये वाला ही पहन लूँगी अच्छा लगेगा। और सर्दियाँ आ चुकी हैं, मौसम बहुत चेंज हो गया, और मुझे न्यू कराची से कोरंगी तक जाना था, और बाइक पर ही जाना था, बाइक में आना था। तो ये कि बच्चों की भी सेफ्टी का ख्याल रखना था अपनी भी, ताकि हवा ना लगे, बच्चों की तबीयत ख़राब ना हो जाए, फौरी बीमार पड़ रहे हैं आजकल बच्चे, जिस तरह मौसम चेंज हुआ ना बहुत ज़्यादा। तो खैर बच्चों के लिए सॉक्स, टोपे और ये सारी चीज़ें रख ली थी मैंने। अभी मेरा बैकपैक हो चुका है, अब मैं आपको यहाँ पर ड्रेसेस दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं ड्रेसेस, कितने प्यारे लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत छोटे छोटे क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे, और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो मैंने अपने कपड़ों में से ही बचे हुए थे उनके सिए हैं। एक पहला वाला ये है, और इसके साथ ये है छोटी सी इसकी निकर, और ये ब्लैक कलर का ड्रेस है। इसके साथ है पैंट ट्राउज़र, और जो है इसी तरह के दो ड्रेसेस और हैं, और बहुत छोटे छोटे सिए हैं, कोई 1-2 मंथ्स की बेबी को आ जाएंगे, और जो दो हैं वो जो है थोड़ी बड़ी बेबी को 3 मंथ तक आ जाएंगे। तो खैर एक ही रेड वाला है, और ये भी बहुत प्यारा, ये भी मेरे सूट में से ही बचा हुआ था ना, तो ये मैंने स्टिच किया है। ये भी पैंट ट्राउज़र, और ये एक बहुत प्यारा ड्रेस मैंने स्टिच किया है, और ये शोल्डर में ना इसके दोनों स्ट्रैप वो मतलब बटरफ्लाई बन जाएंगी दोनों साइड में। तो कमेंट में बताना मुझे कि ये ड्रेस कैसे लगे। और हाँ यहाँ बात आ गई कि ये ड्रेस किसके हैं, तो ये दोनों ड्रेसेस मेरे दोनों भाइयों की बेटियों के हैं, माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारी हैं, और ड्रेसेस में और ज़्यादा प्यारी लगेंगी ना, तो उनके ड्रेस हैं ये दोनों। तो यहाँ जो है अब हुज़ैफ़ा वहाज को मैंने रेडी कर दिया था जाने के लिए, कोई 4-5 बजे के करीब ना हमें आने वाले थे पापा लेने के लिए, और स्टार्ट में आपने जो वीडियो देखी है वो क्लिप यही है। फिर आ गए थे पापा हमारे लास्ट तक मुझे लेने के लिए, कोई 10-15 मिनट का फासला रह गया होगा, तो वसीम ने कॉल कर दी नहीं मैं चलूँगा ना साथ, तो फिर ये मैं लेके जाऊँगा, तो फिर वो चले गए वापस रास्ते से ही। फिर ये कि वसीम हमें लेके गए, और उनका हम इंतज़ार करते रहे बैठे हुए, वीडियो बना रही थी तो पीछे से आवाज कह रहे मम्मा पापा ने क्यों मना कर दिया, मम्मा पापा कब आएंगे, इस तरह करके पूछ रहे थे मुझसे। तो यहाँ मैंने भी चेंज कर लिया था, बस मेरा तैयार होना रह गया था। अब ये कि मैं फटाफट तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि जब आपको कोई लेने आ रहा होता है या आप जा रहे होते ना कहीं, तो पूरा आपका दिमाग वहीं चल रहा होता है, ये तैयारी कर लो, वो तैयारी कर लो, ये रख लो, वो रख लो, इतना दूर जाना हो तो बिल्कुल दिमाग वहीं चल रहा होता है। मुझे पूरा दिन लग जाता है अगर मैं करंगी जा रही होती हूँ ना अम्मी के घर, तैयारी करने में, कपड़े रखने में, फलाना ढिमकाना, इस तरह करके। तो यहाँ वहाज मुझसे पूछ रहे थे सारी बातें, यहाँ हम तैयार होकर बैठे हुए थे और बस वसीम का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो आएँ और हम जाएँ, और रात के कोई 7 बज गए थे ना उनका इंतज़ार करते करते। तो जल्दी जब हमने वीडियो शूट की थी इतने में वो आ चुके थे। फिर ये कि वो तैयार वगैरह हुए, हम लोग निकले, और मैंने क्या क्या गिफ्ट्स लिए हैं अपनी दोनों जो है वो भाई की बेटियों के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।